हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेलरिंग मास्टर जी में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि 34 चेस्ट में जो मैंने ब्लाउज़ से नाप ली हुई है उसमें किस तरह हम ब्लाउज़ काटते हैं। जो चेस्ट है उसका 34 है, सबसे पहले नाप समझ लेते हैं। लंबाई 14 है, सीना 34 है, शोल्डर 13 है, कमर 28 है, आगे गला 6 इंच रखना है और पीछे गला 9 इंच रखना है। ये मेजरमेंट है। हम चलिए, हम सबसे पहले हम काटते हैं हम इसकी बैक। आप एक चीज़ ध्यान रखिए, हमेशा ब्लाउज़ काटते समय सबसे पहले बैक कटती है। जो लंबाई है वो है 14 इंच। चलिए हम 14 इंच पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ हम 2 इंच का निशान लगाते हैं। ये क्यों लगाते हैं, जो नीचे फोल्ड होता है ये, उसके लिए हम लगाते हैं 2 इंच का निशान। ये देखिए, मैंने 2 इंच का यहाँ निशान लगा दिया है। हम बिल्कुल एकदम सीधी इसकी लाइन खींच लेंगे। देखिए दोस्तों, ये मैंने सीधी बिल्कुल लाइन खींची है। ये जो खींची है ये नीचे फोल्ड होगा, ये इसके लिए लाइन खींची है। इसकी लंबाई है देखिए दोस्तों 14 इंच। तो 14 का ऊपर आधा इंच जो है ना हमारा कवर होगा जब कंधी मारेंगे, तो यहाँ हम आधा इंच एक्स्ट्रा निशान 14.5 कर देंगे। 14.5 यहाँ किया है तो दोस्तों 14.5 हमको यहाँ भी करना पड़ेगा। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम इसको भी एकदम सीधी लाइन खींच लेंगे। ये देखिए, मैंने ये भी बिल्कुल सीधी लाइन एकदम खींच लिया है। ठीक है, इतना तो आपको समझ में मेरे आ गया होगा, आपको इतना समझ में। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका जो चेस्ट है वो 34 है। हमने इससे पहले एक वीडियो बना रखी है जिसमें कौन से चेस्ट में कितना शोल्डर रखते हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ऊपर आई बटन में भी दे रखा है। तो 34 चेस्ट में हमारा जो है ना शोल्डर यहाँ रखा जाएगा 5.5 इंच। ये देखिए, और इसका आर्मोल भी हमें यहाँ 5.5 इंच ही रखना है। ये देखिए, ठीक है, और यहाँ भी हम 5.5 इंच के इसको बिल्कुल सीधी लाइनें हम खींच लेंगे। ये देखिए, ये मैंने सीधी लाइन बिल्कुल खींच लिया है, और यहाँ से भी हम बिल्कुल सीधी लाइन खींच लेंगे। आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हमने यहाँ से 5.5 रखा है, यहाँ से 5.5 रखा है। अब जो दोस्तों हमारे 34 चेस्ट की विड्थ होती है ना, वो यहाँ रखते हैं हम 2.5 इंच। ठीक है, और जब भी हम गला बनाएंगे हम बैक का, और हमारी जो बैक गले की जो लंबाई है वो है 9 इंच। हमेशा आपको ये रखना, हमको यहाँ से आपको तिरछा रखना, ये 9 इंच ये आया हमारे बैक गले का ये। ठीक है, अगर आपने यहाँ 2.5 रखा है तो यहाँ हम ऐसा बढ़ा देंगे और ये ऐसे करके हम इसकी लाइन खींच लेंगे। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने इसकी ऐसे लाइन खींच ली है, हम इसको ऐसे करके कर देंगे। और हम यहाँ राउंड गला बनाएंगे तो हम इसको हल्का सा छोटा सा राउंड लेंगे, ज़्यादा बड़ा राउंड नहीं लेंगे। ये देखिए, हमारा ये राउंड वाला गला बन गया। अब हमको क्या करना है दोस्तों, हमको इसका चेस्ट देखना है। ये 34 इंच है क्योंकि मैंने नाप ब्लाउज से लिया है, इसमें चेस्ट की कोई भी मार्जिन नहीं आएगा। सीधे हम 34 का आधा कर देंगे, चौथा हिस्सा कर देंगे हम 34 का, तो ये आएगा 8.5। ठीक है दोस्तों, और इसमें प्लस 1.5 इंची मार्जिन देंगे। अगर आपको ब्लाउज़ को बढ़ाना है तो ये उसके काम आता है। ये देखिए, ठीक है, यहाँ से मैंने 1.5 इंची इसको बढ़ा दिया है। और हमारी जो हिप है दोस्तों वो है 28, तो 28 का हम चौथा हिस्सा करेंगे 7 इंच, प्लस 1.5 इंच जो पीछे डट पड़ती है वो हम डालेंगे, और प्लस हम क्या करेंगे, 1.5 इंच जो ऊपर मार्जिन दिया है वो हम नीचे भी मार्जिन इसका दे देंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, हम यहाँ ऐसे हम लाइन खींच लेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ ऐसे लाइन खींच लिया है। ठीक है, हम वही लाइन यहाँ भी खींच लेंगे 1.5 इंच 1.5 इंच का। देखिए,
ये हमारी सब हो गया। अब हम सबसे मेन रहते हैं यहाँ पे, हम यहाँ क्या क्या करेंगे। अब दोस्तों इसके लिए मुझे आधा इंच यहाँ एक निशान लगाना है, क्योंकि हमेशा जो सामना रहता है ना, आप ये चीज़ समझ लीजिए, इस मैंने सामने का अरमोल का निशान लगाया हमेशा आधा इंच पीछे रहता है, और हम उसको ऐसे ही निशान लगा देंगे। अब सबसे पहले हम, आप ये समझिए, हमेशा जब बैक का अरमोल देते हैं ये यहाँ तक देते, देखिए किस तरह मैं दे रहा हूँ, देखिए ये देखिए, ठीक है। बात आपको समझ, हमेशा इसके ये हमारा बैक का आरमोल निकल आया है। हम सामने देखिए किससे निकालते हैं, सामने का ये हम निकालेंगे ऐसे, ये हमारा सामने का हो गया। अब ये जो हमने अरमोल निकाला है दोस्तों, इसमें क्या है, ये अब आपका यहाँ पे जो साइड में चुन पड़ती है वो बिल्कुल नहीं पड़ेगी अगर हम इस तरीके से करेंगे। तो हम इसकी सबसे पहले हम कटिंग कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। तो ये देखिए, ये मैंने हमने बैक की कटिंग कर ली है, हम इसी को रख के सामने की कटिंग करेंगे। दोस्तों हम इसके सामने कटिंग करेंगे। सामने कटिंग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये मैं आपको जान लीजिए, हम इसको यहाँ करीब इतना आधा इंच करीब, हम आधा इंच से भी कम हम छोड़ देंगे, और प्लस नीचे हम पौन पौन इंच और इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। अब ये मार्जिन क्यों ले रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे, और इसको हम सीधी लाइन से एकदम एकदम खींच लेंगे। अब दोस्तों क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें इस तरह इतना इतना छोड़ के हम इसका निशान उठा लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज़ आप जान लीजिए, सबसे पहले हम इसको यहाँ रखेंगे और इसको यहाँ रख के ये कितना आ रहा है 5.5 इंच यहाँ से, ये हम क्योंकि हम सामना काटने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हम देख लेंगे कितना आ रहा है ये मेरा 5.5 इंच। हम इसको यहीं उठा के ये बैक हटा के अब ये हम 5.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ से ऊपर से भी हमने 5.5 इंच रखा था, ये देखिए 5.5 इंच यहाँ से। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम इसको इस तरीके से हम इस पर निशान उठा लेंगे, ये देखिए निशान उठाने के बाद दोस्तों अब हम इसको ऐसे ही शेप दे देंगे जैसे उसमें दिया था, ये देखिए आपको समझ में आ गया होगा, ये मैं इसको इस तरीके से दे दूंगा, ठीक है। हम इसको यहाँ से काट लेते हैं, मैं इसके मारे काट रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमने सामना किस तरीके से रखा हुआ है, ये देखें। तो आपको यहां से अब समझना है मुझे किस तरह क्या करना है। अब यहां से हम रखेंगे इसको, यहां रखेंगे देखिए दोस्तों, ये मैंने यहां रखा हुआ है, और यहां से इसको ऐसे हम उठा लेंगे निशान, ठीक है। और जो हमारा गला है आगे का वो है 6 इंच का, तो हम इस तरीके से हम 6 इंच पे ये हम निशान लगाएंगे, और हम इसको भी गला हम आगे का राउंड कर देंगे,
अब इसको भी हम आगे का गला हल्का सा राउंड कर देंगे। अब आप यहाँ समझ लीजिए कि हम डट किस तरीके से डालते हैं। हमेशा 34 चेस्ट में जो डट डलती है ना, वो डलती है कंधी से 9.5 इंच पे। अब यहाँ से आपको गौर से समझना है, ये यहाँ 9.5 है तो आपको यहीं से पहले 1.5 इंच यहाँ निशान लगा लेना है, ठीक है। 1.5 इंच यहाँ निशान लगा लेना है, 1.5 इंच यहाँ निशान लगा लेना है, सॉरी यहाँ हम 1.5 इंच निशान लगाएंगे, हमने ज़्यादा लगा दिया है। यहाँ से भी हम 1.5 इंच निशान लगाएंगे और हम यहाँ से भी हम 1.5 इंच निशान लगाएंगे। अब क्या करेंगे, इन सब लाइनों को यहाँ से हम मिला देंगे। देखिए यहाँ निशान लगाया, ये निशान लगाया, ठीक है, और इसको हम ये निशान लगाएंगे और हम यहाँ से, ये देखिए यहाँ से हल्का सा तिरछा करते हुए 1.5 इंच हम यहाँ लगाएंगे, ठीक है। ये देखिए आपको, अब देखिए जो मैंने बढ़ाया है ना, ये जो मैंने बढ़ाया है, हम यहाँ जब डट डालेंगे, देखिए इसकी डट ऐसे आएगी, ठीक है, तो ये हल्का सा ऊपर उठ जाएगा, इसकी डट ऐसे डलेगी और इसकी डट डलेगी हमारी ये ऐसे पड़ेगी। हमने यहाँ हमने इसमें 1.5 इंच का मार्जिन लिया था, तो 1.5 इंच मार्जिन करने के लिए मुझे 1.25 इंच यहाँ निशान लगाना पड़ेगा, 1.25 इंच यहाँ, और इसको भी हम बिल्कुल इस तरीके से मिला देंगे। ये देखिए, और हमेशा इसको ऐसे काट देंगे। ये हमारी डट है, जो पॉइंट है हमारा बीच का ये है। आपको इस तरह पॉइंट के निशान, सारे डट के निशान लगाने हैं। 1.5 इंच यहाँ से लगा लेना है, ठीक है, 1.5 इंच चारों तरफ से लगा लेना है। अब आप इसको ऐसे मिलाएंगे ना, देखिए ये देखिए, देखिए हमारे पॉइंट के निशान लग चुके हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।